हेलो दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम के बाल स्वरूप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। राम जी की पूजा के साथ ही उनकी सीख को भी जीवन में उतार लिया जाए तो हमारी सभी दिक्कतें खत्म हो सकती हैं, मन शांत हो सकता है। जीवन में जब हालात मुश्किल हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ये हम श्री राम से सीख सकते हैं। रामायण में श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, सब कुछ तय हो गया था, ये राजा दशरथ ने तय किया था, तो ये बात बदलने की संभावनाएं भी नहीं थी। जिस दिन राज्याभिषेक होने वाला था ठीक उससे एक दिन पहले कैकेयी को मंत्रा ने भड़का दिया। मंत्रा की बातों में कैकेयी ऐसी उलझ गई कि उसने राजा दशरथ से अपने दो वर मांग लिए। पहला वर भरत को राज्याभिषेक और दूसरा वर राम को वनवास। राजा दशरथ अपने वचन निभाने के लिए मजबूर हो गए। कैकेयी ने अपनी जिद राजा से पूरी करवा ली। दशरथ ने जब राम को बुलाया और ये बातें बताई तो उन्होंने धैर्य और शांति बनाए रखी, पिता की पूरी बात ध्यान से सुने और उनके वचन पूरे करने के लिए राम वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। जब राम की राज्याभिषेक होना था उसी समय में राम को वनवास हो गया। रातों रात हालात एकदम बदल गए थे। मुश्किल समय में भी राम ने धैर्य नहीं खोया और शांति से काम लिया। ऐसे समय में भी राम जी ने अपनी सकारात्मकता बनाए रखी। श्री राम के साथ ही लक्ष्मण और सीता भी वनवास के लिए चल दिए, तो हमें उनसे ये सीख मिलती है कि हालात कभी भी बदल सकते हैं। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार और सकारात्मक होना चाहिए। अगर हम मुश्किल हालात में धैर्य खो देंगे तो जीवन बर्बाद हो सकता है। मुश्किलों में भी मन शांत रखना चाहिए, तभी सब ठीक हो सकता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद दोस्तों, बोलो जय श्री राम।